मैंने सुना है कि जंगल में पीले रंग के पक्षियों का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्यों ना उन्हें पकड़ कर खाया जाए? मेरा नाम है लक्का। कालू, तेरा आइडिया है पक्का? हम सुंदरवन जंगल जाएंगे और वहां टुनटुनी का मांस खाएंगे। सुंदरवन जंगल में एक बहुत चालाक टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। वाह, लगता है हमारी किस्मत का जवाब नहीं। हमें इस जंगल में आते ही एक मोटी पीली चिड़िया दिखाई दे रही है। तो चलो, किसका है इंतजार? करते हैं हमारा पहला वार और मामला होगा आर पार। तुम भले ही शिकारी पक्षी हो, लेकिन आज तक टुनटुनी चिड़िया को कोई नहीं पकड़ पाया। तो हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, और इस प्लान की कीमत है मात्र 500 रुपए। दफा हो जाओ यहाँ से। लखा चील और कालू कौवा टुनटुनी को पकड़ने की योजना बनाते हैं। मम्मी मम्मी, लगता है जंगल में शिकारी पक्षी आ गए हैं। बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है। मैंने अच्छे अच्छे शिकारियों को चकमा दिया है, आने दो उन लोगों को। कालू कौवा और लक्का चील बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें हर बार टुनटुनी चिड़िया से हार का सामना करना पड़ता है। ओहो, हमने जितना सोचा था यह चिड़िया उससे कहीं ज्यादा चालाक है। हम हारेंगे नहीं हौसला, और लेकर रहेंगे चिड़िया का घोंसला। अगले दिन कालू कौवा और लक्का चील टुनटुनी चिड़िया पर हमला करने के लिए फिर से आ जाते हैं। ओहो, यह पक्षी आज फिर से आ गए। लगता है ये शिकारी पक्षियों की नाक कटा करके ही दम लेंगे। इस बार हम परछाई की तरह छुप कर रहेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम आ रहे हैं। खेलूंगा मैं छुपन छुपाई, फिर खाऊंगा मैं चिड़िया की बनाकर मिठाई। लेकिन टुनटुनी चिड़िया डरती नहीं है, बल्कि नकली चोंच पहनकर दूसरा कौवा होने का नाटक करती है। अरे मेरे साथी, मैंने सुना है कि पास ही की झील पर एक शानदार दावत हमारा इंतजार कर रही है। वहाँ पर बहुत सारे पीले पक्षियों की दावत हो रही है। नहीं छोड़ूंगा मैं यह मौका, दावत लगाकर मारूंगा चौका। जाना है मुझे झील, नहीं तो होगा मुझे बहुत फील। इसने तो सारे चील की नाक कटवा दी। इतना बेवकूफ चील आज तक मैंने नहीं देखा। वैसे जाकर देखने में क्या बुराई है, हो सकता है सच हो। अरे लक्का रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना वहाँ चालाक चिड़िया है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। अभी भी मौका है, 500 रुपए में मेरा मास्टर प्लान ले लो। नहीं है मेरे पास पैसा, अब कालू जैसा कहेगा करूंगा मैं वैसा। हम अब तक का सबसे बड़ा जाल उस चालाक चिड़िया के लिए बिछाएंगे। कालू कौवा लक्का चील एक खुले मैदान में गड्ढा खोदकर टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत बड़ा सा जाल बनाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया वहां आती है। इस जाल का हमने दिया है बहुत दाम, पर पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है ये काम। यह जाल मैंने बहुत सोच समझकर बनाया था, इसे काम करना चाहिए। हमें इस पर कूदकर इसे परखना चाहिए। लखा जी और कालू तुरंत अपने ही जाल से गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे बेवकूफ शिकारी पक्षियों, यदि 500 रुपए खर्च कर लेते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। एक समय की बात है, शांतिपुर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सौतेले माँ बाप बंटी कबूतर और सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। अरे ओ टुनी चिड़िया, जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर देना, हम जंगल में पागल कड़कनाथ भाई की पार्टी में जा रहे हैं। जब मैं वापस आऊं तो मुझे सारे बर्तन और कपड़े धुले हुए दिखने चाहिए। मम्मी,
मम्मी मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गई हूँ, क्या आज मैं स्कूल चले जाऊँ? बचपन से तुमने जो स्कूल जाकर पैसों की बर्बादी की है, चुपचाप घर में रहकर जैसा सुंदरी कह रही है वैसा ही करो। ऐसा कहकर दोनों पागल कड़कनाथ की पार्टी में चले जाते हैं। सारा काम खत्म करके जब टुनटुनी इधर उधर उड़ रही थी, वह एक छिपी हुई गुफा से टकरा जाती है जहाँ से चमचमाती रोशनी आ रही थी। इस पुरानी गुफा से इतनी रोशनी क्यों आ रही है, इसका पता लगाना पड़ेगा। जैसे ही वह गुफा के अंदर गई, उसने इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमचमाते हुए हीरो का ढेर देखा। टुनटुनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या होगा अगर मैं इन हीरो का उपयोग घर बनाने के लिए करूं? यह पूरे जंगल में सबसे शानदार और अनोखा घोंसला होगा, और इसके बाद मेरे पापा मम्मी भी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे स्कूल जाने देंगे। ऐसा सोचकर टुनटुनी ने कुछ हीरे उठाए और अपने सपनों का घर बनाना शुरू कर दिया। टुनटुनी के हीरे के घर की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिन पक्षियों ने इसके बारे में सुना, उनमें कालू नाम का एक चालाक और लालची कौवा भी था। कालू अपने शरारती तरीकों और चमकदार वस्तुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। जैसे ही उसे टुनटुनी के हीरे के घर के बारे में पता चला, उसने उन्हें चुराने की योजना बनाई। नमस्कार टुनटुनी, मैं आपके अद्भुत हीरे के घर की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सका। यह वास्तव में देखने लायक है, इसीलिए मैं इसे देखने आ गया। धन्यवाद कालू, मुझे खुशी है आपको यह पसंद आया। मैंने इसे विशेष बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। इससे मेरे मम्मी और पापा मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगे। ये हीरे मेरे होने चाहिए, इन्हें पाने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। इस सोच के साथ उसने एक योजना बनाने शुरू करी। टुनटुनी, मैंने अफवाहें सुनी है कि कुछ शिकारी पक्षी आज रात आपके हीरे चुराने का प्लान बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इन हीरो को कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा देना चाहिए। अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए कालू? मैं उन्हें अपने सपनों का घर नहीं छीनने दे सकती। तुम मुझे हीरो को सुरक्षित रखने के लिए क्यों नहीं दे देती? मैं उन्हें किसी भी खतरे से दूर अपने घोंसले में छिपा कर रख दूंगा, फिर बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कालू के टुनटुनी ने सोचा और कालू पर भरोसा करने का फैसला कर लिया। टुनटुनी ने जैसे ही हीरे कालू के हाथों में दिए, कालू का असली रंग सामने आ गया। मूर्ख चिड़िया, अब ये कीमती हीरे मेरे हैं, इन हीरो को भूल जाओ। ये सब देखकर टुनटुनी का दिल टूट गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपना दोस्त समझती थी, वह उसे इस प्रकार धोखा देगा। असहाय महसूस करते हुए उसने जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। टुनटुनी चिड़िया जंगल के जादुई पेड़ के पास जाती है और उसे अपनी सारी समस्या बताती है। नहीं प्यारी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैंने अब उस हीरे पर एक जादू कर दिया है। जो भी लालची और गंदे मन वाला पक्षी उस हीरे को छुएगा, वह हीरा तुरंत मिट्टी का बन जाएगा। उधर कालू कौवे के पास चुराया हुआ हीरा तुरंत ही मिट्टी बन जाता है। अरे यह क्या हो गया, लगता है मैंने असली हीरे की जगह इस मिट्टी के हीरे को चुरा लिया है गलती से। कालू कौवा उस मिट्टी के हीरे को वापस टुनटुनी चिड़िया को लौटा देता है। अरे ओ लालची कौवे, यदि आज के बाद तुमने किसी का सामान चुराया तो मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगा। कालू कौवा डर जाता है और वह जंगल छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके सौतेले माँ बाप उसके हीरे के घर में रहने लगते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के साथ बुरे व्यवहार के कारण वह हीरे का घर मिट्टी का घर बन जाता है। ये क्या हुआ, ऐसे हीरे के घर को मिट्टी का घर किसने बना दिया?
टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार पेड़ के पास जाता है। सौतेले माँ बाप के सौतेले व्यवहार के कारण से अब वह मिट्टी का घर कभी भी हीरे का घर नहीं बन पाएगा। अंत में टुनटुनी चिड़िया से उसके सौतेले माँ बाप माफी मांगते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और हीरे के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।